राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ टाटा हैरियर का मिनी वर्जन का एक और नया कलर और वॉक अराउंड एक और नए कलर में। और टाटा हैरियर ही बोलूँगा मैं तो यार, इसे इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है भाई लुक में। और टाटा पंच हो चाहे हैरियर हो भाई, मतलब लगती बिल्कुल हैरियर ही है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए सस्ता हैरियर निकाला है टाटा ने, जिसकी जो भी इच्छा होती है टाटा हैरियर, जैसे मेरा ड्रीम कार है टाटा हैरियर, तो वो पूरा करने के लिए टाटा ने पंच लॉन्च कर रहे हैं। अब साइड में देख सकते हो आप 16 इंच के आपको अलॉय व्हील वो भी डायमंड कट में मिलते हैं, और जो ग्लाइडिंग है प्लास्टिक की वो दी गई है ताकि इसको एसयूवी लुक दिया जा सके। बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि प्लास्टिक दे दिया, बट यार उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सेफ्टी पर या फिर बिल्ड क्वालिटी पर। ऐसे नहीं कि प्लास्टिक दे दिया तो ये कच्चा होगा या कमज़ोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये इसकी और सुंदरता को निखार देता है। तो भाई पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिलता है, और मेरे को लगता है टाटा का लोगो थोड़ा जो पुराना हो चुका है अभी अपडेट कर देना चाहिए, बट पता नहीं कब तक करेंगे। और बात करें टाटा के लोगो के नीचे तो कैमरा भी दिया गया है, और बूट स्पेस ओपन करते हैं तो हालांकि अभी देख के तो अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, बट जहाँ तक है 200 लीटर या फिर टाटा टियागो की तरह सेम बूट स्पेस आपको मिलने वाला है। पीछे आपको यहाँ पर लाइट वगैरह शायद नहीं दी गई है इस गाड़ी में, जो कि होनी चाहिए थी। अगर पीछे बूट में एक लाइट होती तो उससे थोड़ा आसानी हो जाती। और बैक का लुक नेक्सॉन से रिलेटेड है थोड़ा सा, मतलब मैच करता है बट इतना ज़्यादा नहीं। और पीछे से एक बार लुक बताना तुम्हें कैसे लगता है, क्योंकि मुझे इतना खास नहीं लगा। जैसे आगे से तो देखो बिल्कुल हैरियर की तरह दे दिया, बट पीछे से बहुत प्लेन छोड़ा है, मतलब कि कुछ ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं, काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश करी है। हो सकता था यहाँ पे भी हैरियर की तरह थोड़ा सा दे देते जैसे अल्ट्रोज में देख रहे हो आप सामने, तो अच्छा हो जाता। बाकी पंच की बैचिंग भाई लगती है बहुत एकदम शानदार इस साइड से देखो। अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं, और इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो जाता है कार इन्फो को, जिन्होंने ये वीडियो शूट करी है और जिन्होंने अपलोड भी करी। और आप अंदर एंटर करते हो तो आपको बता दूं यार, ये नॉर्मल है, मतलब कि टाटा की जितनी भी गाड़ी है ना सब में जो स्टेयरिंग है सेम दिखता है। मैं नेक्सॉन में बैठा, अल्ट्रोज में बैठा, हैरियर में थोड़ा बहुत अलग है, और जो ये सामने आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलती है पॉपअप डिस्प्ले वो भी सब में सेम है। और इसकी डिस्प्ले की सबसे गंदी बात ये लगती है कि बहुत लैगी है, और अच्छे से अभी इन्होंने अपग्रेड वगैरह नहीं दिया। हो सकता है टाटा पंच में अपग्रेड होकर मिल जाए। बाकी स्पेसिंग की ज़्यादा कोई दिक्कत लगती नहीं इस कार में, बहुत कंफर्टेबल हो सकती है। और कुछ लोग कहते हैं यार माइक्रो एसयूवी यानी कि छोटी गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, नेक्सॉन से चौड़ी है, कुछ एमएम चौड़ी है नेक्सॉन से, और नेक्सॉन से ऊँची भी है, बट नेक्सॉन से 5 इंच छोटी है, मतलब कि लेंथ जो है वो नेक्सॉन से कम है, और जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो नेक्सॉन से ज़्यादा है। तो इसे माइक्रो एसयूवी समझना गलत होगा, ये नॉर्मल लगा लो आपकी एक एसयूवी ही है, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी समझ सकते हैं। बाकी आपने इंटीरियर वगैरह तो सब देख ही लेंगे, पहले सब लीक हो चुके हैं, जैसे कि सिल्वर कलर की ग्लाइडिंग दी गई आपको इसमें चारों तरफ एसी के, और जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ग्लव बॉक्स में आपको लाइट दी जाती है, कूल वाला ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे आप कोई भी ठंडा वगैरह रख सकते हैं, जो ठंडा रखेगा आपके जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को। तो बस यही आज की वीडियो के लिए, और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें पसंद आया ये। और साथ में अभी एक यहाँ पे एक मिरर भी दिया गया जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, तो वही बात है एक गाड़ी में कितने फीचर भरोगे भाई, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल से काम चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कमेंट करके बताओ तुम ये गाड़ी लोगे या नहीं लोगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी इसकी जो रिलीज डेट है वो 4 अक्टूबर तय हो चुकी है, काफ़ी सारे लोगों ने भी बता दिया और मैंने भी अपने चैनल पर बता दिया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।